अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 6। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है लीव्स, जिसमें हम लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि लीव्स क्या काम करते हैं और लीव्स कैसे अपने फूड प्रिपेयर करते हैं और लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑलराइट, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट के। फैक्ट्री किसे कहते हैं? वो प्लेस जहाँ पे सब के लिए चीज़ें तैयार होती हों, उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। इसी तरह हम प्लांट की फैक्ट्री लीव को कहते हैं। क्यों? क्योंकि लीव्स पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। ऑलराइट, तो इसलिए हम लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। दे आर वेयर अ प्लांट मेक्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फूड प्रिपेयर होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपेयर। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सूरज की रोशनी की मदद से फूड तैयार करना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर यूजली ग्रीन। लीव्स आमतौर पर ग्रीन कलर के होते हैं। ऑल्दो अदर कलर्स एग्जिस्ट, दूसरे कलर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि डार्क ब्राउन कलर, रेड कलर। ऑलराइट, वॉट एवर देयर कलर, कोई भी कलर हो, ऑल लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। सब लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाएगा, चाहे उनका कलर कोई भी हो। ठीक है, द क्लोरोफिल क्या है? द केमिकल डैट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। क्लोरोफिल एक ऐसा केमिकल है जो सूरज से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव। हेयर इज द मिडरिब। ये क्या है आपको नज़र आ रही? मिडरिब। ठीक है, मिडरिब की फर्दर डिवीजन, जो सराउंडिंग में उसकी डिवीजन हुई है, उसको हम वेंस कहते हैं। और ये ब्रॉड पार्ट क्या है? लेमिना। एंड दिस वन इज लीव स्टॉक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या है आपको नज़र आ रही? लीव वेन, सॉरी। Here you see from the original leaf, this part is the midrib. Alright, midrib की further division, ये आपको जो further division नज़र आ रही है, इसको हम veins कहते हैं। ये वाली veins हैं। ठीक है, veins की भी further division होती हैं। जैसे roots की मैंने आपको बताया था root hairs होते हैं, उसी तरह vein की भी further division है जो leaf में पाई जाती है, जिसे हम veinlets कहते हैं। ठीक है, और ये पार्ट कौन सा था? दिस पार्ट इज लीव स्टॉक। ठीक है, और ये ब्रॉड पार्ट को हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। ब्रॉड पार्ट क्या है? जो फ्लैट पार्ट है, लेमिना। ऑलराइट, लीव्स आर वेल स्टडीड टू देयर जॉब। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टू एब्सॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट एंड एक्सचेंज गैसेस विद द सराउंडिंग एयर। लीव क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस को और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दे आर थिन सो गैसेस कैन गेट टू ऑल द सेल्स इजीली। मतलब लीव क्या होते हैं? थिन होते हैं ताकि गैसेस जो हैं वो इजीली तमाम सेल्स में पहुंच सकें। थर्ड पॉइंट, दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा टू लेट गैसेस गेट इन एंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। इनके पास या इनके अपर और लोअर एपिडर्मिस पे होल्स होते हैं, पोर होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा का काम क्या होता है? कि गैसेस को एक्सचेंज करना इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग एयर इन्वायरमेंट के साथ। अब ये इन्वायरमेंट से क्या, कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और गेट रिड कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड को वो टेक करते हैं एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग एयर से। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट,
दे हैव लॉट्स ऑफ वेन्स मेड फ्रॉम वेस्क्यूलर बंडल्स. दे हैव लॉट्स ऑफ वेन्स मतलब इनके पास वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि वेस्क्यूलर बंडल की बनी होती हैं टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड कैरी शुगर अवे. जो कि वाटर को लेके आती हैं एंड कैरी शुगर अवे और शुगर को दूर लेके जाती हैं. वेन्स आल्सो हेल्प स्पॉट द लीफ. और इसके अलावा वेन्स क्या काम करती हैं, लीफ को स्पॉट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, क्या काम करती हैं इसके अलावा वेन्स, लीफ को स्पॉट प्रोवाइड करती हैं. फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स मतलब वहाँ तक ये वाटर को लेके जाएंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होनी थी, क्लोरोफिल में. ठीक है, मतलब लीफ सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है. वो एक ऐसा केमिकल था जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था. ऑलराइट, नेक्स्ट, लीफ वेन प्रोवाइड अ स्केलेटन व्हिच सपोर्ट द लीफ एज वेल एज आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. लीफ वेन, दिस वन इज लीफ वेन. ये स्केलेटन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है. कैसे, हमने लास्ट मतलब हमने अभी रीड किया था कि ये फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स में वाटर को पहुंचाता है और फूड को दूर लेके जाता है. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज बनाना लीव्स आर वेरी ब्रॉड. दिस वन इज बनाना लीव्स. बनाना लीव्स क्या होते हैं, वेरी ब्रॉड टू एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ सनलाइट. जितना ज़्यादा लीव ब्रॉड होगा उतनी ज़्यादा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ग्रास लीव्स आर नैरो बट वेरी थिन सो गैसेस कैन गेट टू एवरी सेल. ग्रास लीव्स क्या होती हैं, नैरो होते हैं. नैरो मतलब छोटे या बारीक होते हैं. बट वेरी थिन लेकिन बहुत ज़्यादा पतले होते हैं. सो गैसेस कैन गेट टू एवरी सेल, इसलिए गैसेस जो हैं वो ईजिली हर सेल में चले जाती हैं. अंडरस्टैंड, तो आज के टॉपिक में हमने क्या रीड किया है, लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री और वो पॉइंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है. ठीक है, और लीव के पास क्लोरोफिल होता है, मतलब जितने भी लीव्स हैं उन सब में क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि फूड प्रिपेयर हो सके. फिर हमने लीव का स्ट्रक्चर देखा. लीव के स्ट्रक्चर में लीफ लेमिना था, लीव स्टॉक थे, लीफ वेन्स थे और मिडरिब प्रेजेंट थे. ऑलराइट, और कुछ हमने इसके पॉइंट्स देखे हैं. वो पॉइंट्स में क्या था कि लीफ ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं और गैसेस और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो थिन होती हैं. ठीक है, ताकि वो इजीली गैसेस को दूसरे सेल्स तक पहुंचा सकें. और लीव्स के पास होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी गैसेस को इन्वायरमेंट की गैसेस के साथ एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, और लीफ वेन्स का काम क्या था कि उनके वेस्क्यूलर बंडल होते हैं और वो वाटर को कैरी करती हैं ताकि फोटोसिंथेसाइजिंग सेल में वो वाटर यूज़ हो सके. और इसके अलावा वेन क्या काम करती हैं, लीफ को स्पोर प्रोवाइड करती हैं. ऑलराइट.